दुश्मन के किस अंग पर मारें आप, कहां पर मारें, जो कि दुश्मन एक ही बार में घायल हो जाए और हो सके वो मर भी सकता है। लेकिन दोस्तों आप इस तरह किसी को भी नहीं मारें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहबुद्दीन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने फिंगर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, बहुत ही मजबूत कैसे बनाएंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिंगर आपको दुश्मन के किस अंग पर अटैक करना है जो कि दुश्मन तुरंत घायल हो जाए। दोस्तों ये कमेंट राम कुमार भाई का था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, बहुत ही मस्त होने वाला है आज का वीडियो। दोस्तों आपको मैं मात्र 3 ट्रिक बताऊंगा और आप फिंगर पे पुशअप कर लेंगे बहुत ही आराम से। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस प्रैक्टिस को करने से पहले एक बात जान लीजिए। देखिए आपको इस प्रैक्टिस को देखिए इस तरह करना होगा। देखिए इस तरह पीछे दोनों पर रहेगा और आपको करना है पुशअप, ठीक है, फिंगर पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इसको जब पहली बार कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक पहले सिंपल बताऊंगा जो कि आपको कैसे करना है, कैसे सीखना है, ठीक है। दोस्तों तब आपको बताऊंगा इस ट्रिक को करके कि आपको फाइनली कैसे करना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए इस ट्रिक को सीखने के लिए, इस तरह दोनों पैर को कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये लेग देख लीजिए किस तरह है, ठीक है। इस तरह देखिए, इस तरह रख लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आपको ये फिंगर देखिए इस तरह नहीं रखना है, ठीक है। बहुत लोग इस तरह रख लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि मैं फिंगर पर पुशअप कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, आपको इस तरह रखना है, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह रहेगा पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह रखने के बाद देखिए आपको आगे इस तरह रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे रखने के बाद देखिए आपको पुशअप करना है पहले इसी तरह, बहुत ही सिंपल है और आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा, ठीक है। देखिए तो दोस्तों आपको फर्स्ट ट्रिक इसी तरह करना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा करना है, मैं आपको कम करके दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं फिर बताऊंगा आपको कि दुश्मन को कहां अटैक करना चाहिए जो दुश्मन गिर जाए, घायल हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस करने के बाद आपको दूसरा प्रैक्टिस देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए हम क्या किए, दोनों पैर को फैला दिए इस तरह, ठीक है, इस तरह फैला दीजिए और ये देखिए इस तरह रख दीजिए, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका दूसरा ट्रिक, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा ट्रिक बताऊंगा जो कि मैं फाइनली करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है फिर बाद में, ठीक है। देखिए ऐसे करना है, ये दोनों रख दीजिए इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह रखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे जाना है, ठीक है। आए 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 आए। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह करना है। आप सोचते होंगे हम आवाज क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आवाज निकालने से पावर मिलता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि कराटिस्ट जो भी होता है जब पंच मारता है या किक मारता है तो वो आवाज निकालता है, ठीक है। आवाज निकालने से पावर मिलता है। दोस्तों आप देखे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में कि जब लेबर वगैरह किसी मजबूत काम को करते हैं तो वो भी आवाज निकालते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे इस चीज को। तो दोस्तों उसी प्रकार है कराटिस्ट का, जब वो पंच मारते हैं तो आवाज निकाल के मारते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि दुश्मन को किस जगह पर मारे जो कि दुश्मन गिर जाए। तो दोस्तों आप देख लिए कितना सिंपल ट्रिक था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा दुश्मन के किस अंग पर मारे आप, कहां पर मारे, जो कि दुश्मन एक ही बार में घायल हो जाए और हो सके वो मर भी सकता है। लेकिन दोस्तों आप इस तरह किसी को भी नहीं मारे, ठीक है। जब आप
आपातकालीन टाइम में हो तभी मारे, ठीक है। बहुत ही खतरे में हो आप, बहुत ही मुश्किल में हो, ठीक है, तब आप इस चीज का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, देखिए दुश्मन का आपको यहां पर अटैक करना है, ठीक है, इस जगह पर अटैक करना है। आप अपने इस जगह पर छू करके देख लीजिए कितना नॉर्मल होता है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको अटैक कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस जगह पर अटैक करना है, देखिए इस तरह मान लीजिए कि दोस्तों फाइट होने वाला है, ठीक है, दुश्मन है आगे खड़ा, ठीक है, हम उनको मारना चाहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल, आए, ठीक है, इसी तरह मारेंगे फ्रेंड्स, फास्ट, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह फास्ट मारेंगे। उसके अंदर नली जो होता है ये, उसको फाड़ देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप उसको वहां पर मार दीजिएगा तो उसका नली जो होता है ये वाला, वो फट भी सकता है। अगर वो फट गया दोस्तों तो वो उम्मीद है कि वो जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है, वो मर भी सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह किसी को नहीं मारे, ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन दोस्तों इसके लिए जो हम आपको ट्रिक बताएं तीन, तो आप उसको जरूर कीजिए और अपने फिंगर को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, मजबूत बनाइए, मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तब ना किसी को अटैक कीजिएगा तो एक ही बार में गिर जाएगा दुश्मन। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई एक लाइक कर दीजिए पहले, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी सीख सके। और दोस्तों मैं इसी तरह कराटे, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियो रोज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।